नमस्कार। ठीक है, तो अपन सॉलिड में आगे बढ़ाते हैं सॉलिड चैप्टर को, और इसमें देखते हैं कि अब डिफेक्ट्स क्या है। सॉलिड में डिफेक्ट्स है ना, क्रिस्टल जो भी है, सॉलिड के जो क्रिस्टल होते हैं में डिफेक्ट्स किस तरह से आ जाता है। जब देखो यार, जो पूरा सॉलिड होता है, कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर है, वो छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बना होता है। उसमें बहुत सारे क्रिस्टल होता है, आप बोल सकते हो क्रिस्टल्स एग्रीगेट होके सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। क्रिस्टल अपन ने पढ़े थे इतने, जो पिछले लेक्चर्स में अपन क्रिस्टल के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो छोटे छोटे क्रिस्टल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं। तो जब सॉलिड बन रहा होता है, क्रिस्टल बन रहा होता है, तो किसी कंडीशन के कारण उनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, मतलब जो अरेंजमेंट है उनका, उनमें इरेगुलरिटी आ जाती है। जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि सॉलिड में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, उसे अपन बोलते हैं डिफेक्टिव ऑफ सॉलिड, है ना। तो बेसिकली डिफेक्ट इन द सॉलिड इज द इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल। तीन टाइप की होती है सॉलिड के अंदर, तीन टाइप की डिफेक्ट्स होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। इसको स्क्रू डिफेक्ट भी बोलते हैं। ये दोनों अपन स्टडी नहीं करते हैं, अपन केवल स्टडी करते हैं कौन सा, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, और अपन लेटेस्ट पॉइंट पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो केवल और केवल किसके बारे में अपन स्टडी करते हैं, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब इसमें बात करें अपन कि पॉइंट डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट फर्स्ट इसमें ले रहे हैं अपन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ना, स्टाइकियोमेट्री आपने 11th में पढ़ी होगी, इसमें फॉर्मूला वगैरह देखते हैं अपन। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा होता है कि उस डिफेक्ट के अंदर कंपाउंड का, क्रिस्टल का या सॉलिड का जो भी फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं होता है, मतलब स्टाइकियोमेट्री चेंज नहीं होती है। बात समझ रहे हो? सपोज आपके पास क्या है, ए और बी का रेशियो सपोज 10-10 पार्टिकल है। अगर इन दोनों में से पार्टिकल चले भी गए, एक एक पार्टिकल चला गया, लैटिस को छोड़ के, क्रिस्टल को छोड़ के चला गया, तब कितना रह गया, 9:9। लेकिन जो भी रेशियो आ रहा हो कितना आ रहा होगा, सिंपलेस्ट रेशियो 1:1, यानी फॉर्मूला क्या बोलोगे आप, ए बी। तो स्टाइकियोमेट्री इसकी चेंज नहीं हो रही है। सपोज तीन तीन पार्टिकल फिर चले गए दोनों, तो कितने हो गए, 6:6। लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो तो कितना आ रहा, 1:1, फॉर्मूला क्या बोलोगे, ए बी टाइप का। तो इसमें स्टाइकियोमेट्री चेंज नहीं होती, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट द स्टाइकियोमेट्री ऑफ सॉलिड रिमेन सेम या डज नॉट चेंज्ड या अनचेंज्ड, है ना। द फॉर्मूला रिमेन सेम, फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। अब इसके अंदर देखते हैं कि स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में क्या है यार। देखो बहुत सिंपल सा है, एक्सप्लेन कर रहा हूं बस कि होता क्या है क्या नहीं है। पहले अपन देखेंगे नॉन आयनिक कंपाउंड में डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और फिर देखेंगे आयनिक कंपाउंड में स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दोनों सिमिलर है, नॉन आयनिक कंपाउंड में जो होगा वैसा ही किसमें होगा, आयनिक कंपाउंड में नाम चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट है इसके अंदर ए है वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, ये किसके अंदर देख रहे अपन, नॉन आयनिक कंपाउंड में, है ना। और दूसरा है इसके अंदर इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। देखो यार, सपोज आपके पास कोई सॉलिड बना हुआ है, तो एक वैकेंसी है, दूसरा है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। देखो यार, कुछ एक क्रिस्टल बनाया अपने जिसमें अरेंजमेंट पार्टिकल का ए बी ए बी ए बी इस तरह से है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है कि जैसे जब ये अरेंजमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का,
सपोज इन ये जो पार्टिकल जहां रखे हुए हैं इनको बोलते हैं अपन क्रिस्टल, ये लेटिसाइट है ना, ये जैसे ए बी ए लेटिसाइट, और बीच में जो जगह है यहाँ पे इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ये लेटिसाइट है और ये इंटरस्टिशियल साइट है। तो जैसे ए और बी दोनों इस लेटिसाइट से, अपनी लेटिसाइट से क्रिस्टल से बाहर निकल गए या इस अरेंजमेंट में नहीं है, ठीक है। अच्छा पहले अगर मैं बात करूं जब वैकेंसी डिफेक्ट था, ठीक है, ए बी, इसमें देखो बी पार्टिकल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए बी कितने 8 है ना, 8:8 है। नाउ एक बी चला गया, ए चला गया, मतलब एक पेयर चला गया, तब भी कितना रहा, 7:7, 1:1 का, यानी इसमें स्टोइकोमेट्री में इसमें कोई क्या नहीं आया, चेंज नहीं आया। तो इसको अपन बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, जब ए या बी मतलब पार्टिकल्स अपनी साइड से क्या हो जाए, चला जाए, अपनी साइड से लेटिस साइड से मिस आउट हो जाए, तो इस डिफेक्ट को वैकेंसी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, देखिए होगा क्या, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, पार्टिकल्स नहीं रहेगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है कि कोई भी पार्टिकल्स अपनी साइड से निकल के कहाँ आ जाए, ये इंटरस्टिशियल साइड में आ जाए, कहाँ आ जाए, इंटरस्टिशियल साइड में आ जाए, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, है ना, वी डिफेक्ट और आई डिफेक्ट। इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये ए कहाँ है, उसी क्रिस्टल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये किसके अंदर था, नॉन आयोनिक कंपाउंड में। ऐसे ही दो डिफेक्ट, जैसे वैकेंसी डिफेक्ट और जैसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैसे ही डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो आयनिक कंपाउंड में कौन से हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। अब सपोज ये आपके पास क्या है, ए प्लस और बी माइनस, क्या है आपके पास, ए प्लस है और बी माइनस है, दिस इज ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस बी माइनस बी माइनस और ए प्लस, ठीक है। अब वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयोनिक में हो गए, अब आयोनिक के अंदर कौन सा है, अगर आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो शॉर्ट की डिफेक्ट है। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या है, एक पेयर अपने एक या एक से ज्यादा पेयर, पेयर का मतलब केटायन और एनायन दोनों, अपनी लेटिस साइड से क्या हो जाए, मिस्ड आउट हो जाए, ठीक है, क्रिस्टल से चला जाए, जैसे ये ए प्लस बी माइनस है, ठीक है। तो जैसा वैकेंसी डिफेक्ट में था वैसे ही यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट है, ठीक है। पेयर और पेयर्स ऑफ आयन मिस्ड आउट, डेंसिटी क्या हो जाएगी यार, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा ये किस तरह के कंपाउंड शो करते हैं, किस तरह के आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, वैसे ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनमें साइज ऑफ आयन्स कंपेरेबल हो, ठीक है, साइज ऑफ आयन कंपेरेबल हो, जैसे केटायन और एनायन की साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, जैसे 6:6 अरेंजमेंट, 8:8 अरेंजमेंट, फॉर एग्जाम्पल NaCl है, KCl है, आपके पास CSCl है ना, AgBr एक्सेट्रा। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर और जिनके केटायन एनायन की साइज के अंदर डिफरेंस कम हो, ठीक है, तो वो सब क्या दिखाएंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। इसके अंदर बहुत सी बार आपको परसेंटेज मिसिंग यूनिट पूछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी माइनस जाएंगे तो वो एक यूनिट है, फॉर्मूला यूनिट है, तो कितनी यूनिट मिसिंग हुई, तो इसका जो फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट वो क्या है यार, डेंसिटी थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल डेंसिटी तो ज्यादा आएगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की डेंसिटी वो होगी जिसमें अपन को पता चलेगा, ऑब्जर्वेशन से ही पता चलता है कि इसके अंदर से कितनी साइट क्या हुई, लेटिस साइट
मिस्ड आउट हुई, कितने आयंस कितने पेयर मिस्ड आउट हुए, तो डेंसिटी ऑब्जर्वेशन की कम आएगी, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इससे अपन निकाल सकते हैं क्या मिसिंग यूनिट। नेक्स्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट इंटरस्टीशियल्स डिफेक्ट जैसा। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड में फ्रेंकल डिफेक्ट। इंटरस्टीशियल्स डिफेक्ट में क्या हुआ था कि पार्टिकल्स इंटरस्टीशियल साइज में आ गया था, यहां पे जनरली केटायन, जनरली केटायन अपनी जगह से डीलोकलाइज्ड होके किसी इंटरस्टीशियल साइज पे आ जाता है। क्या बोल रहे हैं, केटायन जनरली केटायन अपनी लैटिस साइट से डीलोकलाइज होके इंटरस्टीशियल साइट पे आ जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट, या इसको बोलते हैं क्योंकि डीलोकलाइज हुआ है तो डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट या डीलोकलाइज डिफेक्ट, डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट। अच्छा, डेंसिटी क्या होगी, क्रिस्टल की जो डेंसिटी वो क्या होगी, अनचेंज्ड, चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये पार्टिकल यही था, यहां से इसी क्रिस्टल में आया, तो जो डेंसिटी थी वो क्या होगी, अनचेंज्ड होगी। नेक्स्ट, कौन से कंपाउंड दिखाते हैं, कौन से आयनिक क्रिस्टल दिखाते हैं जिनकी साइज में कंपेरेबल डिफरेंस हो, लार्ज डिफरेंस हो, डिफरेंस इन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, एनायन की साइज, एनायन केटायन की साइज में डिफरेंस हो, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, लेस, लेस कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, जैसे 4:4 वाला है ना, फॉर एग्जांपल 4:4 वाले कौन सा है, ZNS हो गया आपके पास, AgCl हो गया, AgI हो गया, AgBr, ये AgBr ध्यान रखना, AgBr शॉर्ट की डिफेक्ट भी दिखाता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी दिखाता है, AGBR दोनों टाइप के डिफेक्ट बताता है, AGBR शॉर्ट की भी बताता है और फ्रेंकल भी, क्वेश्चन आता है AGBR दोनों टाइप के डिफेक्ट बताता है। ये सारे कौन से हैं, केटायनिक फ्रेंकल डिफेक्ट, इनके अंदर केटायन, इनके अंदर केटायन इंटरस्टीशियल साइड में जाता है, तो केटायनिक फ्रेंकल डिफेक्ट। एक एग्जांपल है CaF2, है ना, CaF2 कैसा है यार, एनायनिक फ्रेंकल डिफेक्ट, एनायनिक फ्रेंकल डिफेक्ट, यानी इसके अंदर एनायन कहां जाता है, इंटरस्टीशियल साइड में जाता है, तो ये आपके पास क्या थे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट थे। ठीक है, अब बात करते हैं एक सेकंड, इंप्योरिटी डिफेक्ट। यार डिफेक्ट में अपन ने तीन डिफेक्ट बताए कि पॉइंट, लाइन और प्लेन, है ना, तो अपने सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट की स्टडी करनी है अपने को, जिसके अंदर फर्स्ट स्टोइकियोमेट्री ले लिया, या स्टोइकियोमेट्री में भी नॉन आयनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के लिए अलग अलग डिफेक्ट देखे। ठीक है, आयनिक के लिए कौन सा देखा था, नॉन आयनिक के लिए कौन सा देखा था, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, और आयनिक के लिए कौन सा देखा था अपन ने, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट, तो जैसा वैकेंसी डिफेक्ट था वैसा ही शॉर्ट की डिफेक्ट और जैसा इंटरस्टीशियल डिफेक्ट था वैसा ही फ्रेंकल डिफेक्ट था। अब बात करते हैं यार किसकी, सेकेंड इंप्योरिटी डिफेक्ट। नाम से सजेस्ट हो रहा है, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है आपको क्या, कि इसके अंदर कुछ न कुछ इंप्योरिटी होगी। सपोज आपके पास NaCl का क्रिस्टल, एक मोल्टन NaCl है जिसको आप क्रिस्टलाइज कर रहे हो, उस टाइम आपके पास कुछ इंप्योरिटी SrCl2 की भी है। आप क्या कर रहे हैं, सिंपल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, आपके पास NaCl है मोल्टन या उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर लिटिल लिटिल अमाउंट में आपके पास क्या है, SrCl2 है, लिटिल अमाउंट में क्या है, SrCl2 है। ठीक है, तो SrCl2 क्या कर रहा है, NaCl को डिस्प्लेस कर देगा, कुछ NaCl को डिस्प्लेस करेगा, यानी NaCl जहां जहां प्रेजेंट है कुछ जगह पे क्या आ जाएगा, Sr2+ आ जाएगा, Sr2+ है और यहाँ पे Na+ है, तो इसके अंदर क्या है, NaCl के क्रिस्टल के अंदर इंप्योरिटी आ गई Sr2+ की, Na+ की जगह क्या आ गया, Sr2+ आ गया। मेन बात इसमें क्या है,
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो क्या होती है? अनचेंज्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या है यार? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अनचेंज्ड यानी उसके अंदर जो एनायन और केटायन यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं, आपके पास क्या है, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, है ना, Na प्लस, Cl माइनस, इस तरह से अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, क्योंकि अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं यार इस चैप्टर में, तो एक अच्छा सा पैटर्न है, रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, कुछ इस तरह से NaCl, Cl माइनस। मेन बात है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, अनचेंज्ड है, यानी अगर एक Sr2 प्लस आता है, अगर एक Sr2 प्लस आता है तो कितने Na प्लस को डिस्प्लेस कर देगा, दो Na प्लस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस करेगा, एक Sr2 प्लस दो Na प्लस को डिस्प्लेस करेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रखनी, वही रखनी, तो दो प्लस चार्ज आएगा तो दो Na प्लस को निकालेगा, क्योंकि Na पे एक ही चार्ज है और Sr पे दो, तो मान लो इस तरह से ये गया और यहां पे क्या आ गया, Sr2 प्लस आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो क्या रहे, बराबर रहे, जितना पहले पॉजिटिव चार्ज था अभी उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एक कौन सी वैकेंसी आ गई यहां पे, केटायनिक वैकेंसी, एक केटायनिक वैकेंसी आ गई, यानी एक Sr2 प्लस आने पे, एक Sr2 प्लस आने पे एक केटायनिक वैकेंसी आ गई। अच्छा, केटायन वैकेंसी क्यों बोला, क्योंकि केटायन की जगह आया, यहाँ पे क्या था, Na प्लस था, तो Na प्लस की जगह खाली जगह हो गई, लेटिस साइड खाली हो गई, तो इसको बोलते हैं अपन केटायनिक वैकेंसी, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। तो जब मोल्टन NaCl था उसमें थोड़ा सा अगर SrCl2 है और उसको फिर आपने क्रिस्टलाइज किया, जब क्रिस्टल बन रहा था तो वहां पे कुछ Na प्लस की जगह Sr2 प्लस आ जाते हैं, यानी Sr2 प्लस डिस्प्लेस द Na प्लस आयन एंड हेंस द केटायन वैकेंसीज आर जनरेटेड, ठीक है, वन केटायन वैकेंसीज कॉरेस्पॉन्डेड टू वन Sr2 प्लस आयन, ठीक है साहब। तो ये क्या था आपके पास, इंप्योरिटी डिफेक्ट था, ये सेकंड था इंप्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, कौन सा है यार, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अच्छा, स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट में क्या था कि आपके पास फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा था, है ना, फॉर्मूला वही था, लेकिन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। थर्ड वन इज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टाइक्योमेट्री चेंज हो जाएगी, जो क्रिस्टल का फॉर्मूला था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके अंदर फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसके अंदर फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अच्छा, मेटल एक्सेस मतलब कि मेटल क्या हो गया होगा, जो मेटल का आयन है, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, एनायन के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फर्स्ट कौन सा है इसके अंदर, ए है, एनायनिक वैकेंसी के कारण। अच्छा, एक बात बताओ यार, एनायन की वैकेंसी आ गई, एनायन की जगह खाली हो गई, तो केटायन क्या हो जाएगा, एक्सेस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये जनरली जनरली कौन शो करते हैं, ये एल्कली मेटल क्लोराइड जनरली कौन शो कर रहा है, अपन एल्कली मेटल क्लोराइड, जैसे LiCl, NaCl, KCl, है ना, होगा क्या इसके अंदर, ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, LiCl सॉलिड है, क्रिस्टल है सॉलिड व्हाइट कलर का, ठीक है, अगर आप इसको
हॉट वेपर, एलआई की वेपर है ना हॉट, अगर ये इसके ऊपर से पास करा रहे हो तो यहां पे नॉन स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक एलआईसीएल सॉलिड मिलता है, जो कि कौन से कलर का होता है, पिंक कलर का। कैसे कलर का होता है, पिंक कलर का। अब वो कलर क्यों आता है वो भी देखेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि LiCl इन द एक्सेस ऑफ Li, LiCl इन द एक्सेस ऑफ Li शोज द पिंक कलर, ठीक है। सिमिलर वे में NaCl इन द एक्सेस ऑफ Na, NaCl इन द एक्सेस ऑफ Na शोज द येलो कलर। अगर मैं बात करूं, आपके पास NaCl का क्रिस्टल है जो कि व्हाइट है, अगर इसके ऊपर से आपने हॉट Na वेपर पास की, ठीक है, तो आपके पास क्या मिल गया, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक NaCl सॉलिड विच हैव येलो कलर। ऐसे ही KCl की बात कर लो यार, KCl व्हाइट सॉलिड है, ठीक है। आपने क्या करा, हॉट, ये हॉट है ना, ये हीट का सिंबल है, पोटेशियम वेपर, यहां पे आपको क्या मिलेगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक KCl सॉलिड, जिसका कलर हो जाएगा आपके पास वायलेट। कैसा जाएगा, वायलेट। होता क्या है कि आपके पास सपोज NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, सपोज आपके पास NaCl का क्रिस्टल है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे आपने क्या प्रोवाइड करा रहे हो, आप हॉट Na वेपर, क्या प्रोवाइड करा रहे हो आप, हॉट Na वेपर, ठीक है। तो जो Na डिपॉजिट होगी इसकी सरफेस पे, सोडियम इसकी सरफेस पे डिपॉजिट होगा, अब वो सोडियम क्या करेगा, उस यहाँ पे क्या होगा, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर क्या है, क्लोराइड आयन है, और Na वेपर क्या करेगी, क्लोराइड आयन को ले लेगी, NaCl बना देगा, यहाँ पे क्या बना देगा, NaCl। क्या बोल रहे हैं, Na प्लस Cl माइनस का क्रिस्टल है, Na प्लस Cl माइनस का क्रिस्टल है, हॉट वेपर, सोडियम की हॉट वेपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो रही है। तो जो कौन सा वाला, ये वाला जो Na था, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na प्लस आ जाएगा, ये Na प्लस बन गया सरफेस के ऊपर, Na प्लस बन गया। और जो क्लोराइड आयन था, कौन सा, जो साइट, जो भी साइट थी, सपोज ये NaCl का क्रिस्टल है, जैसे ये Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से है ना अरेंजमेंट में। तो मान लो ये Cl माइनस इस वेपर से रिएक्ट कर गया, तो और NaCl की फॉर्म में सरफेस पे डिपॉजिट हो गया, NaCl के फॉर्म में सरफेस पे डिपॉजिट हो गया, तो जो ये Na था इस Cl माइनस से रिएक्ट कब करेगा, तब कब करेगा, जब ये Na प्लस बन जाएगा, Na प्लस बनने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा। अच्छा, जब ये Na इसके ऊपर से आपने पास कराई, तो ये Cl माइनस इससे रिएक्ट कर गया, NaCl यूनिट की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया, ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई, ठीक है, तो एनायनिक वैकेंसी आ गई। अब इसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था किसके लिए, Cl माइनस से रिएक्ट करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन इस एनायनिक वैकेंसी में आ जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एफ सेंटर, इसको बोलते हैं एफ सेंटर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ क्रिस्टल, इसी के कारण येलो कलर का NaCl नजर आता है, या बोलू पिंक कलर का LiCl आता है LiCl क्रिस्टल में, या वायलेट कलर का क्या आता है, KCl आता है। तो दिस एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, ठीक है, और कंडक्टिविटी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी शो होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन कॉन्स्टेंट, सेम वही बनी रहती, क्योंकि यहां से Cl माइनस गया तो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक नेगेटिव चार्ज गया, दूसरा नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। एफ फॉर फॉरवर्ड एंटर, फॉरवर्ड एंटर पूछता कोई नहीं, फॉरवर्ड एंटर, ठीक है, जिसका मतलब होता है कलर। तो ये एफ सेंटर है, ये कलर के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हो गया आपके पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसके अंदर एनायनिक वैकेंसी के कारण अपन ने क्या देख लिया है, एनायनिक वैकेंसी के कारण क्या देख लिया है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखा है। और ये ध्यान रखना, एफ सेंटर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा एक क्या था, एनायनिक वैकेंसी, ठीक है, और इसी के अंदर जो बी है वो क्या है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल,
ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल आयन। आपके पास क्वेश्चन आता है ZnO, ZnO गर्म करने पे येलो नजर आता है, ठीक है। जैसे ZnO है यार, अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो Zn2+, ठीक है, प्लस हाफ O2 गैस और प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये क्रिस्टल बन रहा होता है तो कुछ इस तरह से सिनेरियो होता है यार मेटल एक्सेस के कारण, कि Zn+ है आपके पास, O2- है, Zn2+ है, O2- है, O2-, Zn2+, Zn2+, O2-, Zn2+, O2-, Zn2+, इस तरह से आपके पास क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है। पूरा नहीं कर रहा हूँ, सफिशिएंट है। अब इसमें क्या है, जब ये क्रिस्टल बन रहा होता है ZnO का, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरस्टीशियल साइड में मेटल के केटायन आ जाते हैं। इंटरस्टीशियल साइड में क्या आ जाते हैं, मेटल के केटायन, और कुछ इंटरस्टीशियल साइड में क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है, कि Zn2+ आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली कॉन्स्टेंट वही बनी रहती है, लेकिन इसके इंटरस्टीशियल साइड में ये जो जगह खाली है, इंटरस्टीशियल साइड में Zn2+ आ गए और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसके कारण तो क्या आ गया, मेटल का एक्सेस हो गया। इसके कारण तो क्या हो गया, मेटल का एक्सेस हो गया, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, कलर शो कर देता है, तो ZnO येलो कलर शो करता है, ZnO येलो कलर शो करता है इस इलेक्ट्रॉन के कारण। और इसको क्या बोलते हैं अपन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एक्सेस ऑफ मेटल, की मेटल के जो आयन है वो एक्सेस में हो गए। एक तो क्या पढ़ा था, एनायन वैकेंसी, अगर एनायन कम हो गया तो मेटल अपने आप में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और एक एक्स्ट्रा मेटल आयन या कुछ एक्स्ट्रा मेटल आयन इंटरस्टीशियल साइड में आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन ड्यू टू द एक्स्ट्रा मेटल आयन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपके पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फिर है इसके अंदर मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट। पहले मेटल एक्सेस था, आप क्या है, मेटल की डिफिशियंसी हो गई। यार जैसे आपके पास एक फॉर्मूला है FeO, ठीक है, FeO, जब ये FeO का क्रिस्टल बन रहा होता है तो इसमें Fe2+ में होता है, इसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या रहती है, बनी हुई रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई रहती है। यार आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ये डिफेक्ट कौन शो करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट ये डिफेक्ट शो करते हैं, जिनके पास क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, वो ये डिफेक्ट शो करते हैं, मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट। होगा क्या यार, आयरन किस किस के अंदर हो सकता है, +2 और +3 के अंदर हो सकता है, +2 और +3 में, आयरन +2 से ऑक्सीडाइज होकर +3 में आ सकता है। तो ये सपोज करो आपके पास FeO का क्या है, कंपाउंड है, इस FeO में Fe2+ है और O2- है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यहां पे कुछ आयरन किस में होगा, Fe3+ में भी होगा, तो कुछ Fe2+ की जगह क्या आ जाते हैं, कुछ Fe3+ आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 Fe3+ की, तो 2 Fe3+ 3 Fe2+ को डिस्प्लेस कर सकते हैं, एग्री। 3 को कैसे करेंगे, वही 6+ और यहां पे भी 6+। तो अगर मैं 2 Fe3+ आ रहे हैं आपके पास, तो वहां से 3 Fe2+ चले जाएंगे, सपोज 1, 2 और 3 यहां पे क्या है, Fe2+ थे, Fe किसमें था, 2+ में। अब यहां से क्या चले गए, अब इनकी जगह क्या आ गए, Fe3+ आ गए, तो Fe3+ आएंगे कितने, Fe3+ आएंगे कितने, 2, वो कहां कहां आ जाएंगे, सपोज यहां आ गए और यहां आ गए, तो यहां की जगह क्या रह गई, खाली रह गई। तो इसको केटायनिक वैकेंसी भी बोलते हैं, या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। इसका जनरली फॉर्मूला जो होता है FeO क्रिस्टल का, Fe0.930 से लेके वेरी कर जाता है 0.960, ठीक है, Fe0.90 से Fe0.96, वुस्टाइट बोलते हैं इसको, वुस्टाइट फॉर्मूला।
Fe, है ना, जिसमें आयरन का कॉम्पोजिशन, क्योंकि ये वैकेंसी आने के कारण ये रेशियो ऑक्सीजन और आयरन का सेम नहीं रह पाता है ना, तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ गया, इसे बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये हो गया मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो इस तरह से अपन ने स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इंप्योरिटी डिफेक्ट की स्टडी की थी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। यार ये बहुत सिंपल होते हैं डिफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा यार, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग। 11th क्लास में जो आपके पास बैंड के बारे में बताया होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में, तो उसी बेसिस पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या तीन टाइप के यहाँ पे सॉलिड को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। किसके बेसिस पे? कंडक्टिविटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटीज। ठीक है, फर्स्ट कंडक्टर, कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो जनरली 10^4 टू 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे है ना, फिजिक्स में भी है। तो कंडक्टिविटी इतनी हो गई। सेकंड है आपके पास इंसुलेटर है ना, या नॉन कंडक्टर, इसके अंदर जो कंडक्टिविटी है यार, कंडक्टिविटी कितनी है? 10^-20 से 10^-10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और एक और होता है थर्ड आपके पास सेमीकंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी लाई करती है इन दोनों के बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। कंडक्टिविटी जनरली किसमें लाई करती है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो जनरली अपन बोल देते हैं 10^-10^6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, 6 या 4 यहां तक की रेंज में अपन इसको क्लासिफाई कर देते हैं। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तीन टाइप के आपके पास क्या हो गए? सॉलिड हो गए। अब आपने बैंड थ्योरी पढ़ी होगी यार, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में पढ़ा होगा। हुमो और लुमो के बेसिस पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बताते हैं। हुमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लुमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके बेसिस पे दो बैंड बनते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, है ना। ये केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी की होगी आप लोगों ने। तो अगर मैं बात करूं कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर ये हो गया आपके पास कंडक्शन बैंड सीबी, और ये हो गया आपके पास वैलेंस बैंड जो कि भरा हुआ है इलेक्ट्रॉनों से, भरा हुआ वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, है ना। और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया आपके पास वैलेंस बैंड। ठीक है, दिस एनर्जी डिफरेंस इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप। ठीक है, देखो यार इंसुलेटर और वैलेंस बैंड में जो बैंड का डिफरेंस रहता है बीच में बहुत ज्यादा होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच पाता है, इसके कारण ही इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं कर पाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। लेकिन कंडक्टर में या तो ये पार्शियली क्या रहते हैं, ओवरलैप रहते हैं, या ये जो गैप होता है ये वाला गैप बहुत ही कम रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। ये जो एनर्जी गैप है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कम होता है, या फिर ये पार्शियली ओवरलैप रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर इधर से इधर फ्लो होता रहता है, इसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं। दूसरी बात आ रही है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, ठीक है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो अगर टेम्परेचर वगैरह या डोपिंग वगैरह करते हैं, टेम्परेचर वगैरह देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ क्या हो जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं, और वो क्या कर देते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, ये स्मॉल गैप। ठीक है, ये क्या है यार, लार्ज गैप।
और यहाँ पे क्या होता है नेग्लेजिबल गैप या ओवरलैपिंग होती है दोनों में। तो इस तरह से बेंड थ्योरी अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी, है ना, ये फिजिक्स में भी आएगी आपके। तो कंडक्शन बैंड है और आपके पास क्या है वैलेंस बैंड है। अगर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ट्रांसफर या मूवमेंट यहाँ वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में होता है तो कंडक्टिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं। यार वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में यहाँ पे एनर्जी देने पे टेम्परेचर देने पर भी क्या नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं हो पाता क्योंकि देर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज नॉट पॉसिबल इन द इंसुलेटर। सो इंसुलेटर does not show the conductivity. Rather, in the semiconductor, the difference, energy difference between valence band and conduction band is small. So, on increasing the temperature, the electron from the valence band to conduction band, you know, easily move. So, the semiconductor shows the conductivity. Okay? तो ये आपके पास क्या था? Electrical property थी। यार इसमें semiconductor के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर के कारण, अगर टेम्परेचर के कारण ही कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं तो उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आप बाहर से कुछ नहीं कर रहे, ये अपने आप ही हो रहा है, अंदर से ही हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे। लेकिन अगर आप एक फिनोमेनन आता है डोपिंग, बाहर से इंप्योरिटी मिला रहे हो सेमीकंडक्टर के अंदर, बाहर से इंप्योरिटी मिला रहे हो, है ना, तो उसको बोलते हो आप डोपिंग प्रोसेस से जो सेमीकंडक्टर बन रहा है उसको बोलते हैं अपन एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। से कि आप बाहर से क्या मिला रहे हो उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी मिला रहे हो। जैसे आपके पास सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन कार्बन की जैसे ही कितनी वैलेंसी होती है यार, चार वैलेंसी होती है, ये सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर, चार वैलेंसी, ठीक है, ग्रुप कौन सा है 14, ग्रुप 14। अगर आपने इसमें इंप्योरिटी मिलाई, एड इंप्योरिटी किसकी, ग्रुप 15 की, किसकी मिलाई है यार, ग्रुप 15, जैसे फास्फोरस मिला दिया आपने, क्या मिलाया फास्फोरस, है ना, इसकी टेट्रावैलेंसी यहां पे कितनी होती, पेंटा वैलेंसी, यानी पेंटा वैलेंट एलिमेंट मिलाया आपने, पेंटा वैलेंट एलिमेंट की इंप्योरिटी मिलाई है, ठीक है। सपोज इस जगह तो फास्फोरस के चार इलेक्ट्रॉन तो यहां बॉन्डिंग में काम आ गए, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया फ्री, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए आप इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हो। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है यार, नेगेटिव है एन, है ना, एन फॉर नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोल देते हो एन टाइप का सेमीकंडक्टर, यानी पेंटावेलेंट एलिमेंट मिलाने पे या 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाने पर आपको एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। इसके कारण क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी शो करता है। अगर यही आप क्या कर देते हो इंप्योरिटी मिलाते हो कौन से ग्रुप की, इससे कम वाला, कौन सा ग्रुप आ गया 13 ग्रुप मतलब ट्राइवेलेंट, कौन सा यार ट्राइवेलेंट, है ना, जैसे एल्यूमिनियम मिला दिया, क्या मिला दिया आपने एल्यूमिनियम मिला दिया या फिर जर्मेनियम मिला दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक दो और तीन तो बॉन्ड बना देंगे क्योंकि इसके पास तीन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा एक होल जनरेट हो जाएगा, इस जगह क्या हो जाएगा एक होल जो कि पॉजिटिव होता है, इस पॉजिटिव के कारण दिस इज द पॉजिटिव होल, है ना, पॉजिटिव होल, तो पॉजिटिव इस होल के कारण इसको क्या बोलते हो आप पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये बहुत सारे क्या हो जाएंगे आप ऐसे होल आएंगे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर रहा है इस होल में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा होल बन जाएगा, फिर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर रहा है तो ऐसे होल क्रिएट करते जाते हैं तो होल्स के मूवमेंट होते रहते हैं। ये आपको एक टॉपिक है आपके फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके अंदर आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रैप होते जाते तो होल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते जाते हैं, तो इन होल्स के कारण पॉजिटिव होल्स के कारण क्या होता है कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो इसको बोलते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर आपस में मिलके डायोड बनाते हैं, ठीक है, एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं यार डायोड बनाते हैं, डायोड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर किसमें काम आते हैं यार
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में काम आते हैं। एक सोलर सेल होता है जिसके अंदर सिलिकन होता है, सिलिकन यूज में लिया जाता है, जो कि एक क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो फोटो यानी लाइट को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है। तो सोलर सेल में कौन सा सेमी, सोलर सेल के अंदर सिलिकन काम में आता है, सोलर सेल के अंदर सिलिकन काम में आता है। ठीक है, याद है अपन ने पढ़ा था एक अमोर्फस सिलिकन फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में था, अमोर्फस सिलिकन, जहां पे अपन ने अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफरेंशिएट करा था। मैं बताया था कि अमोर्फस सिलिकन एक फोटोवोल्टेक सेल होता है जो लाइट को, सनलाइट को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है। तो सोलर सेल के अंदर सिलिकन यूज में लिया जाता है सेमीकंडक्टर के तौर पर। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं अपन 1216 एंड 1315 कंपाउंड, है ना। आज तक सिंपल कंपाउंड पढ़ता है, ऐसे कंपाउंड अपन ने पहली बार देख रहे हैं ना, 1216 और 1315 कंपाउंड। यार इनके तो नाम से ही हो जाता है ये, कैसे कि अगर 12th ग्रुप का एलिमेंट किसके साथ कंबाइन होता है, 16th ग्रुप के एलिमेंट के साथ कंबाइन होके कंपाउंड बनाता है, उसे कौन सा बोलते हैं अपन, 1216 कंपाउंड। कौन सा बोलते हैं, 1216 कंपाउंड। बताओ यार, जैसे ZnS है, ZnS कौन सा है, 12th ग्रुप का एलिमेंट है, वहीं सल्फर कौन सा है यार, 16th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो 1216 कंपाउंड क्या है, द कंपाउंड विच इज द कंपाउंड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ 12th ग्रुप एंड 16th ग्रुप, व्हाइल द 1315 कंपाउंड्स आर दैट कंपाउंड विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ 13 ग्रुप एंड 15 ग्रुप। अगर एलिमेंट है आपके पास कौन सा, 13 ग्रुप का प्लस 15th ग्रुप का, है ना, अगर वो कंबाइन होके कंपाउंड बना रहे हैं तो वो कंपाउंड कौन से होंगे आपके पास, 1315 कंपाउंड। कौन सा होगा यार, 1315 कंपाउंड। जैसे 13 का एल्यूमिनियम ले लो आप, AlN पढ़ाई अपन ने, ठीक है, ये कौन से ग्रुप का है, 13 ग्रुप का है, और ये कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है। अरे ये बात समझ में, तो ये एग्जांपल हो गए। तो 1216 और 1315 कंपाउंड क्या है, अगर 12th ग्रुप और 16 ग्रुप के एलिमेंट कंबाइन होकर जो कंपाउंड देते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, 1216 कंपाउंड बोलते हैं, और 13th ग्रुप और 15th ग्रुप के एलिमेंट कंबाइन होकर जो कंपाउंड देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, 1315 कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचा है यार, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, और कुछ पीजोइलेक्ट्रिक और पायरोइलेक्ट्रिक के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपके पास सॉलिड स्टेट था, अब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो ये आपके पास डिफेक्ट थे यार, बहुत इजी है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बोर्ड के अंदर तो आते ही आते हैं, और थ्योरी के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं IIT नीट में, शॉर्ट की हुआ, फ्रेंकल हुआ, व्हाट इज द एफ सेंटर, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इस पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन देखेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे, उसके बाद आगे चैप्टर पढ़ेंगे यार। तो थैंक यू, स्टे एट होम, बी सेफ, अच्छे से स्टडी करो, ठीक है, और स्वस्थ रहें। थैंक यू यार।